नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को बहुत से खूबसूरत मकामात से नवाजा हुआ है। उनमें से एक मकाम का नाम है बोस्तान, जो क्वेटा से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। तो चलिए नाज़रीन, आपको बोस्तान की सैर करवाएं। व्यूअर्स, आप लोग ये देख रहे हैं मेरे बिल्कुल पुश्त पे जो आपको एक स्टेशन नज़र आ रहा है। आप समझ रहे होंगे शायद ये किसी कॉबाय फिल्म का जो है ना एक सीन है, और अक्सर कॉबाय फिल्म इस तरह के सीन होते हैं। बहनी वो दौर जब अमेरिका में स्टेशन बन रहे थे और कॉबाइस का दौर था, यहाँ भी बरसगीर में खुसम बलुचिस्तान में अंग्रेज़ अपने उस दौर में स्टेशन बना रहे थे रेलवेज़ के लिए। तो ये एक स्टेशन यहाँ उन्होंने बनाया, इस जगह का नाम है बोस्तान। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ मशहूर डायरेक्टर जमशेद जामी साहब ने एक फ़िल्म बनाया मोर के नाम से, इसी बोस्तान में उसकी शूटिंग हुई और उसमें उन्होंने रेलवे के बारे में ये फ़िल्म है। इसी तरह मैंने अपने डॉक्यूमेंट्री रबिया खुजारी बल्खी के बारे में जो गज़ल है बाद शबगीरी, तो उसके जो शूट है वो हमने पीछे आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही सुर्ख सुर्ख पहाड़ियाँ बड़ी खूबसूरत किस्म की, यहाँ उसके हमने शूट्स लिए थे। कुछ हमने जो यहाँ स्टेशन के ज़रा पीछे वहाँ पे और कुछ पहाड़ियों में हमने उसका वो शूट किया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ इस तरह बाकी जगहों में देहातों में इवन और शहरों में बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई है और उसमें आबादियाँ बड़ी गुंजान हो गई है। मैं 1988 से मैं देख रहा हूँ और आज तक बोस्तान अपने उसी मकाम पे और उसी हैसियत में और उसी तरह से है। तो ये बिल्कुल एक यूनिक किस्म की जो है ना आबादी और एक मकाम है, और आज मैं जब आके देखता हूँ तो बिल्कुल मुझे ज़रा भी फ़र्क महसूस नहीं होता, जबकि इसके इर्द गिर्द जो हमारी आबादियाँ हैं, चाहे कुशलाख है, चाहे खानोजी है, क्वेटा, पशीन, जितने भी शहर हैं पाकिस्तान के इवन शहर बल्कि दुनिया में इस तरह के बहुत से शहर के, आज ये 30 सालों के अंदर कुछ से कुछ हो गए हैं, लेकिन ये अपने जगह पर स्टैंड बाई लग रहा है मुझे। इतने स्टेशन तरफ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ ख़ास बात इस स्टेशन की क्या है।
वक्त बोस्टान स्टेशन के इस नैरो गेज या छोटी पटड़ी के करीब मैं बैठा हूँ और आप लोग देख चुके हैं कि उस तरफ बड़ी पटड़ी है या ब्रॉड गेज है और उसके साथ ये नैरो गेज या छोटी पटड़ी है। तो ये किस तरह का जंक्शन है दुनिया में, शायद इस तरह कोई और मकाम हो, मेरे इलम में तो बहरहाल नहीं। और ये बिल्कुल यूनिक एक मुमताज़ मकाम है ये, कि इधर इस तरह के दो आपको लाइनें मिलती है। एक लाइन आ रही है क्वेटा से यहाँ और यहाँ से फिर चमन जाने वाली लाइन है, और एक फिर यहाँ से एक ज़माने में जो छोटी गाड़ी चलती थी वो बोस्तान से वाया मुस्लिम बाग से होते हुए किला सैफुल्ला और फिर जोब तक ये पटड़ी बिछाई गई थी और उस पर रेल जारी था। ये जगह आप देख रहे हैं, मैं बड़े पुरसकून अंदाज में बैठा हूँ। आज से 31 साल पहले भी मैं इधर घूमता थे, बहुत ही सुकून महसूस करते थे, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि यहाँ आबादी का जो बेअंगम जिस तरीके से इजाफा है बाकी मकामात पे, वो यहाँ पे नहीं हुआ। उसके मुख्तलिफ वजूहात हैं, उसमें एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर अफगान वार के बाद बेताशा माजरीन जो है ना वो आए पाकिस्तान के अंदर, फिर इस तरह आलात कुछ इस तरह के होते रहे बाज़ इलाकों में रीजन्स में कि लोग शहरों की तरफ आए या अपने इलाके छोड़ के मुख्तलिफ़ शहर और कस्बों में, तो जिसकी वजह से आबादी के अंदर एक गैर फितरी बढ़ोतरी या गुंजानी या इजाफा हुआ जिसने वहाँ के जो बाशिंदे थे उनकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया। यहाँ जब आके आप मैं कहूँगा जो भी इस तरह गुंजान शहरों के लोग हैं, क्वेटा के हैं करीब तरीन शहर हमारा या और इस तरह के जो शहर हो गए, यहाँ के आप देखें एक आप सुकून महसूस करेंगे। वो सर आज भी यही है, वो जो ग्लैमर, वो जो सुकून और वो जो लुत्फ जो पहले जो था आज भी इसी तरह बरकरार है। उसकी बड़ी वजह ये कि यहाँ पे गैर फितरी गुंजानी और आबादी नहीं हुई। सबसे जो बड़ा मसला यही होता है कि ट्रैफिक का है, यहाँ देखिए आपको ट्रैफिक का कोई बिल्कुल मसला भी नहीं। बड़े शहरों में जब इंसान घर से निकलता है तो अपने जो भी उसका डेस्टिनेशन है, जो भी उसका मंजिल मकसूद है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो तबीयत उसके कई लोगों पर ख़राब होता है, कई लोगों की तबीयत वो ख़राब कर देते हैं। लेकिन यहाँ इस तरह की कोई चीज़ आप नहीं देखते। शायद आप चिड़ियों की आवाज़ें भी सुन रहे हैं यहाँ पे, जो बस जगहों में तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। वहाँ धुएँ और आरनों के शोर, गाड़ियों की जो है ना गड़गड़ाहट वगैरह में तो बिल्कुल इस तरह के आदमी को ये कुदरती यानी नेचुरल मौाक़े आदमी को बिल्कुल भी मैसर नहीं होते। तो ये कितनी यूनिक जगह है, बेहतरीन जगह है। फिर यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हमारे, फिर खसूसन जो बलूचिस्तान के जो पश्तून, एक चीज़ मैं कहूँ इनमें एक बात है कि ये बड़े नरम खू है, सुलझू किस्म के लोग हैं, मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। हाँ एक चीज़ है कि इनके जो अपनी रवायात हैं उनके ये अमीन भी हैं, उनके मुहाफिज भी हैं। तो उनके जो रवायात है उनसे छेड़छाड़ की न किया जाए, खसूसन ख़वातीन के हवाले से या उनके इज़्ज़त नफ्स के हवाले से या उनके जो मजहबी एतकादात हैं उनके हवाले से, उनके शदीद से उनके तहफ़ुज़ात होते हैं, तो उनसे वो न किया जाए, छेड़छाड़ न किया जाए। जो हमारे रेलवे के साहिबान जो हैं बड़े साहिबान, उनसे मेरी एक गुजारिश होगी कि यहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने के एक बड़ा खूबसूरत रेस्ट हाउस है यहाँ पे। अभी कुछ साल पहले तक तो इसका बहुत बुरा हाल था, इस रेस्ट हाउस का उजड़ गया था। फिर एक डी एस साहब आए, अल्लाह ताला उनको इसका अजर भी दे, उनको मज़ीद इसकी तौफीक दी। उन्होंने कुछ काम किया थोड़ा बहुत, जो उनके बस में था बहुत कम मुख्तसर अफसर रहे, उन्होंने कुछ काम किया यहाँ पे, टीवा लगाया, रेस्ट हाउस को उन्होंने कुछ सेट किया। तो इस रेस्ट हाउस को एज एक गेस्ट हाउस के और उसको प्राइवेट उसके लिए मकासद के लिए के लोग आए अपने फैमिलीज़ के लिए, क्वेटा के अंदर जो रेलवे है वहाँ उनकी बुकिंग हो और हाँ यहाँ पे इनके कुछ कमरे भी ज़्यादा कर दे। तो ये इस जगह मैं कहता तो खुद आदमी जब यहाँ आके इस रेस्ट हाउस में ठहरे और घूमे फिर अपने फैमिलीज़ के साथ, तो ये एक ख़ुद एक इतनी बेहतरीन जगह है और क्वेटे से बिल्कुल करीब। तो इसको इस मकसद के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो रेलवे को आमदन भी होगा, लोगों को ये देखने का जगह भी मिलेगा, और उसके मैं समझता हूँ बड़े अच्छे फ़वाद होंगे, अच्छे असरात इसके मुरतब होंगे।